Good morning students, today is the class of 12th class and today's lesson is a poem. Its name is A Lament. It is composed by Percy B.C. Shelley. In short form, the poet is also known as P.B. Shelley. Shelley is known as a romantic poet, also known as a lake poet. He was born in 1792 and died only at the age of 30 in the year 1822. If we look at the title of the poem, we shall understand very easily that this is a poem of mourning, mourning, means it is a poem of sorrow, depression, disappointments, dejection, unhappiness. Actually, only at the age of 11th, he was expelled from his school for writing an essay, and his life was full of sorrow. He did not get any kind of happiness in his life, and at the last stage of his life, he wrote this poem. And through this poem, he is expressing the sorrow, the unhappiness of his life. Let's start the poem. O world, O life, O time. अर्थात ऐ संसार, ऐ जीवन, ऐ समय. अर्थात कवि महोदय इस संसार को, अपने जीवन को, अपने जीवन में आए हुए समय को एड्रेस कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, और संबोधित करते हुए कहते हैं अनहूज, जिसके मतलब अपने जीवन के, अपने जीवन में मिले हुए समय के, अपने जीवन में मिले हुए संसार के लास्ट, अंतिम स्टेप्स, पायदान, सीढ़ी, चरण, आई क्लाइम, मैं चढ़ा हुआ हूं. अर्थात ऐ संसार, ऐ समय, ऐ जीवन, मैं अपने जीवन के अंतिम पायदान पर खड़ा हूं. अर्थात लेखक महोदय को लग रहा है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त कर जाएंगे. इनका जीवन सुखमय रहा नहीं, इसलिए बहुत जल्दी ही इनकी मृत्यु हो जाएगी. ट्रेम्बलिंग अर्थात द पोएट इज ट्रेम्बलिंग, द पोएट इज शिवरिंग, मतलब कवि महोदय कांप रहे हैं. एट दैट, वहां पर, वेयर, जहां, आई हैड स्टूड बिफोर, इसके पहले जहां मैं खड़ा था. अर्थात जहां वो खड़े थे, जहां वो खड़े हैं, अपने जीवन में मिले हुए दुख, हताशा, निराशा, परेशानी, असफलता, प्रेम विहीनता, मित्र विहीनता के कारण वह कांप रहे हैं. When will return, कब लौटेगा, मतलब कवि महोदय कल्पना कर रहे हैं. The glory of your prime, तुम्हारी युवावस्था, your prime युवावस्था का वैभव, मतलब युवावस्था में जो वैभव होता है, जो खुशी होती है, जो ऊर्जा होता है, जो सफलता होती है, जो प्रेम होता है, जो मित्रता होती है, वो अब कब लौटेगा.
नो मोर मतलब अब नहीं, ओ नेवर मोर अब कभी नहीं, अर्थात उनके जीवन से जो सुख जो खुशी जो सफलता जो वैभव था उनके जीवन में वह हमेशा हमेशा के लिए चला गया है, अब उनके युवा अवस्था का खुशी सफलता सुख कभी लौट कर नहीं आएगा। अर्थात कवि महोदय संसार को जीवन को समय को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि वह अपने जीवन के अंतिम समय में जी रहे हैं, वह अपने जीवन का अंतिम समय काट रहे हैं और जहां वो खड़े थे वहां दुख से परेशानी से निराशा से कांप रहे हैं। कवि महोदय यह सोचते हैं कि उनकी युवा अवस्था का वैभव सफलता खुशी शानो शौकत कब लौटेगा, उन्हें पुनः यह आभास होता है कि उनकी युवा अवस्था का वैभव शानो शौकत सफलता खुशी मित्रता दोस्ती प्रेम स्नेह लगाव अब कभी लौट कर नहीं आएगा। मैं आपको अब नेक्स्ट स्टंजा बता रहा हूं, आप जानते हैं कि इसमें दो स्टंजा मात्र है। आउट ऑफ द डे, आउट मने बाहर, ऑफ मीन्स में से, द डे मीन्स दिन, एंड मीन्स और, नाइट मीन्स रात्रि, मतलब रात्रि में से और डे अर्थात दिन में से ए जॉय मतलब कवि के जीवन का जो आनंद था जो खुशी थी जो सफलता था कवि के जीवन में जो वैभव था हैज टेकन फ्लाई वह जा चुका है, अर्थात उनके जीवन में अब खुशी नाम की कोई चीज नहीं है, न तो वह दिन में खुश हो पाते हैं और न ही वह रात में खुश हो पाते हैं। जनरली हम जब समाज में जीते हैं समाज में जाते हैं बाहर जाते हैं तो हम दुनिया वालों से सफलता के लिए रोजी रोटी के लिए पैसा कमाने के लिए लड़ते हैं जूझते हैं संघर्ष करते हैं, लेकिन जब हम संघर्ष करके शाम को घर लौटते हैं तो हमें घर पर परिवार मिलता है, बच्चे मिलते हैं, दोस्त मिलते हैं, घर के लोग मिलते हैं, तो उन्हें देखकर हमारा संघर्ष कुछ भूल जाता है और हम फिर वहाँ थोड़ा बहुत खुशी को प्राप्त कर लेते हैं, वह भी उनके पास नहीं है। He has no home, he has no family. अर्थात इनके जीवन से आनंद हमेशा हमेशा के लिए उड़ गया है चला गया है अब कभी लौट कर नहीं आएगा। फ्रेश स्प्रिंग मैंने ताजगी ली हुई बसंत ऋतु एंड समर और ग्रीष्म ऋतु एंड विंटर और शीत ऋतु हो शीत ऋतु का तुषार मैंने शीत ऋतु जब आता है तो ठंडी आती है ग्रीष्म ऋतु जब आता है तो गर्मी आती है और जब बसंत ऋतु आती है तो अपने साथ साथ ताजगी चमन का बहार खुशी लेकर आता है। हम लोग यह बात अच्छी तरह से जानते हैं प्रिय विद्यार्थियों कि हमारे जीवन में प्रकृति का बहुत अहम योगदान है और प्रकृति में जाड़ा है गर्मी है बरसात है शीत ऋतु है बसंत ऋतु है इनका भी हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव है। जब बसंत ऋतु आती है जब ग्रीष्म ऋतु आती है और जब ग्रीष्म ऋतु आती है जब शीत ऋतु आती है तो यह हमारे जीवन को खुशियों से भर देती है, लेकिन इन ऋतुओं का मूड या आती तो है लेकिन मूड जाती है माई फैंट हार्ट मेरे मुरझाए हुए हृदय पर मेरे मुरझाए हुए मतलब एक ऐसा हृदय जिसमें खुशी नाम की कोई चीज नहीं है उसमें खुशी नहीं है उसमें सफलता नहीं है उसमें आशा नहीं है उसमें वैभव नहीं है। विथ ग्रीव मतलब आती तो है बसंत ऋतु ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु लेकिन दुख के साथ आती है बट विथ डिलाइट आनंद के साथ नहीं आती है। मतलब बसंत ऋतु शीत ऋतु आती है लेकिन दूसरों के लिए खुशी लेकर आती है कवि महोदय के जीवन पर इन ऋतुओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नो मो अब नहीं ओ नेवर मो और कभी नहीं अर्थात जो सेकंड स्टेंजा का जो दो लाइन है उसका मतलब यह है कि कवि महोदय न तो रात में खुश हैं न तो दिन में खुश हैं इनके जीवन से खुशी चली गई है सफलता चली गई है। कवि महोदय आगे कहते हैं कि प्रकृति का मनुष्य के जीवन पर बहुत असर होता है
प्रकृति बसंत ऋतु लेकर आती है, प्रकृति ग्रीष्म ऋतु लेकर आती है, प्रकृति शीत ऋतु लेकर आती है, और इन ऋतुओं का मनुष्य के जीवन पर इतना अच्छा प्रभाव पड़ता है कि मनुष्य इन ऋतुओं के आने पर खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। लेकिन कवि महोदय के जीवन पर इन ऋतुओं का कोई प्रभाव नहीं है, या दूसरों के लिए खुशी लेकर आती है, प्रसन्नता लेकर आती है, हरियाली लेकर आती है, लेकिन कवि महोदय के जीवन में दुख ही लेकर आता है, निराशा लेकर आता है, आनंद लेकर नहीं आता है। अब इनके जीवन में वह खुशी, वह आनंद, वह वैभव, वह सानुसंगत, वह सफलता, वह मित्रता, वह दोस्ती, वह रिश्तेदारी अब आने वाला नहीं। मैं नेक्स्ट स्टेंजा पढ़ता हूं, फर्स्ट स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन आप लिखेंगे। रिफरेंस, दीज लाइंस आर टेकन फ्रॉम ए वेरी फेमस पोयम, इट्स नेम इज ए लैमेंट, एंड दिस पोयम इज कंपोज्ड बाय ए रोमांटिक पोएट P.B. Shelley. Context: in this stanza, in the first stanza, the poet describes the unhappiness, the sorrow, the dejection, the depression of his life. Explanation likhenge. The poet is addressing the world, he is addressing the life, he is addressing the time. The poet feels that he is passing the last stage of his life. He imagines that he is going to die very soon. The poet is extremely sorrowful. He is extremely disappointed. He is depressed. He is so much depressed with unhappiness that he is trembling with fear. The poet imagines, he asks himself, when the happiness of his life, the glory of his youthfulness will come back, will return in his life. Again he replies himself, again he feels that the glory of his youthfulness will never come back in his life. He will not be happy in coming days. He will not be pleased in coming days. Second stanza, again you will write these lines. Yeah, we will write it. This stanza is quoted. Q-U-O-T-E-D. Quoted means udghrit. This stanza is quoted from a very famous poem. Its name is a lament. It is composed by a romantic poet, P.B. Shelley. Context likhenge. In these lines, the poet describes the dejection and unhappiness of his life. Explanation. The poet says that he is not happy in daytime. He is not happy in night time. He feels that the joy of his life, the happiness of his life has gone away forever and forever. The poet further says, कभी मोदा आगे कहते हैं, the poet further says that nature has a very important role in our life. Nature has many seasons. Nature has spring seasons. Nature has winter seasons. Nature has summer seasons. Spring seasons comes and this season brings happiness and greenness in the life of human being. Summer season comes and it also brings happiness in the life of human being. Winter season comes and it brings happiness in the life of human being. Means all these seasons have a very soothing effect on the life of human being. But there is no effect of these beautiful, lovely seasons in the life of the poet P.B. Shelley. These seasons do not bring
delight do not bring joy in the life of the poet P.B. Shelley. The poet thinks that the happiness will never come back in his life. Dear students, I would like to tell you very easily this poem can be written. And this poem can be understood very easily. मतलब मेरे कहने का इस पोयम को हम बड़े आसानी से समझ सकते हैं। आप स्वयं इमेजिन कर लीजिए कि एक व्यक्ति जब निराश होगा, हताश होगा, परेशान होगा तो किस तरह से होगा। वही जॉन वही पीबी शेली ने इसमें बताने का प्रयास किया। मीन्स द पोएट हैज नो प्लीजर, हिज लाइफ इज प्लीजरलेस, ही इज होमलेस, ही इज जॉबलेस, ही इज फैमिलीलेस, ही इज फ्रेंडलेस, he is moneyless, he is relativesless, he is joyless, he is disappointed, he is depressed, he is dejected, his life is full of disappointments, there is nothing but unhappiness, sorrow, dejection, disappointments, depression in the life of the poet P.B. Shelley. And it is true for the life of the poet P.B. Shelley. If you want the central idea of this poem, I would like to tell you that you must hear this video again and again many times, and you will write every line from my speaking in this video. आज के वीडियो में इतना ही। यह पोयम मैंने आप लोगों को बताया, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन बताया। इसको बार बार सुनिए और ठीक से समझने का प्रयास करिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से। थैंक यू वेरी मच।